और अभी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। बैरूनी फाइनेंसिंग 7 अरब के बजाय 6 अरब डॉलर्स करने पर इत्तेफाक किया गया है। शकील अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शकील मजीद बताएगा क्या डिटेल्स हैं इसकी। देखिए, बुनियादी तौर पर मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का मुसवदा है जिसको 4 बार पहले तरमीम हो चुकी है और 5वीं बार अब उस पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जरा का ये कहना है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप था, IMF का ये ख्याल था कि 7 अरब डॉलर रहेगा, लेकिन वजारत खजाना के हुकाम का ये कहना है कि 6 अरब डॉलर के गैप पर इत्तेफाक हो गया है। और दूसरी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने दो ममालिक से रबते करना शुरू कर दिए हैं ताकि IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए। और IMF को चीन से 2 अरब डॉलर रोल ओवर का जो कर्जा होना है उसके बारे में आगाह किया गया है। चीन की तरफ से 80 करोड़ डॉलर जल्द मिलने की उम्मीद है, IMF को आगाह किया गया है। स्टेट बैंक हुकाम और IMF के दरमियान अब MEFC का जो डॉक्यूमेंट है उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। अगले 2 रोज में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एग्रीमेंट हो जाए IMF के साथ। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका शकील अहमद।